आप मेदावत इख्तार देने जा रही हूँ। इस्लामाबाद बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जनाब राजा अली खान अब्बासी साहब से स्टेज पर तशरीफ लाएं। नहमद रसूल करीम अम्माबाद रजीम बिस्मिल्लाह रहीम मोहतरम सैयद जमाल शाह साहब वफाकी वज़ीर सकाफ़त नायब ज़फ़र मुख्तारी साहब एहसन मुख्तारी साहब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी खालिद साहब और यहाँ बिजनेस कम्यूनिटी से बैठे हुए कवती हज़रात, सबसे पहले तो मैं बेहद मशहूर ममनून हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि उन्होंने आज हमें यहाँ मौजूद किया और एक इम्पॉर्टेंट और अहम शख्सियत की याद के हवाले से ये दिन मुकर्रर हुआ और हमें मौजूद किया आपने। इस साल मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और एहसन मुख्तारी साहब और बड़े मुख्तारी साहब की ज़ेर क़यादत बड़ा अशोक दौर गुजरा और जितनी एक्टिविटी शायद इन साल डेढ़ साल के दौरान हुई मुझे मालूम नहीं पड़ता कि इससे पहले शायद बाहर की अपना काम चैम्बर की तारीख में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज और इतनी पुरसर और जमादार चैम्बर के हवाले से इतनी इससे पहले हुई हूँ। आज का जो मौजू है मौलाना ज़फ़र अली खान साहब के हवाले से उनकी आज डेथ यूनिवर्सरी है और ज़ाहिर है जो मुताला पाकिस्तान जो लोग पढ़ते हैं जो इससे वाकफ हैं वो यकीनन मौलाना ज़फ़र अली खान साहब की जो शख्सियत रही कि उनका रोल रहा तहरीक पाकिस्तान में उनका रोल रहा और पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो उनके हमेशा रोल मॉडल रहे और इसी वजह से उन्हें बाबा सहाफत का खिताब भी दिया गया। और आप अगर उनके जो एक्शंस थे या उनकी जो जिंदगी में जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही उस पर आप अगर जहन दौड़ाएं या उनको पढ़ें तो एक बात बड़ी वाजे सामने आई कि उन्होंने कभी भी सहाफत को बतौर पेशा नहीं अपनाया, सहाफत बराए सहाफत नहीं रही बल्कि सहाफत बराए पर्पज रही और पाकिस्तान में पंजाब में स्पेशली जो जमींदार अखबार है हमारे प्राइमरी स्कूल में भी हमें बताया गया था कि एक बड़ा कमाल का अखबार गुजरा पाकिस्तान में जो इनके वालिद ग्रामीण ने शुरू किया और 2008 में फिर उसकी इदारत उन्होंने संभाली, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए और जो तहरीक पाकिस्तान की जो असास थी जो नज़रिया था उसको प्रोजेक्ट करने में उसको फैलाने में उसका बहुत अहम किरदार रहा। इन शख्सियात के दिन या उनकी डेथ एनिवर्सरी या उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाने का मकसद कतन ये नहीं होता कि हम सिर्फ उन्हें याद करें बल्कि मैं समझता हूं कि ये आज जैसे कि एहसन मुख्तारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में दो जो प्रोफेशंस हैं दो जो कम्युनिटीज हैं एक जो मेरी कम्युनिटी है लॉयर्स कम्युनिटी और एक जो सहाफी कम्युनिटी है इस पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं इसलिए कि ये आजाद लोग होते हैं, ना मैंने किसी को जवाब देना है ना मुझे 60 साल की उम्र में कोई रिटायर कर सकता है ना किसी साफी को गुब्बार बेच सकता है। तो बाकी जितने भी हजरात यहां सही जमात शाह साहब तशरीफ फरमाए हैं अगर ये वजीर हैं तो इन्होंने किसी को जवाब देना है, इन्होंने कैबिनेट को जवाब देना है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है, लेकिन मैं अपने जमीर के आगे जवाब दे हूं, एक साफी अपने जमीर के आगे जवाब दे। तो जो हमारा रोल है आज के दिन के हवाले से इसको मनाने के हवाले से जो सबक मैं समझता हूं हमारे सब के लिए और स्पेशली हमारे जो जर्नलिस्ट यहां तशरीफ फरमा है कि अगर आप और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है येलो जर्नलिज्म भी मैं इसको जर्नलिज्म नहीं समझता और कोई भी अमल ख्वाह आप डॉक्टर हैं आप इंजीनियर हैं आप वकील हैं आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो अगर पर्पज के बगैर होगा वो अखलाकियात के बगैर होगा तो वो आपका आपका वो काम नहीं होगा आपका वो प्रोफेशन नहीं होगा उसे कोई और नाम दे सकते हैं कोई और पार्लियामानी नाम दे लेकिन आज
जो कंट्रीब्यूशन उनकी रही, जमींदार अखबार के हवाले से उसका पंजाब में जो उसका इंपैक्ट रहा, और उसके उनके पाए का एक कमरे का अखबार था गालबा, जो उस जमाने में उसके पाए का एक अखबार था, उसका जो इंपैक्ट हमारे सोसाइटी में रहा, माशरे में हुआ, वो एक आदमी का उसने वो तब्दील किया इस पूरे हमारे पंजाब के जो उसकी उसकी है तो तब्दील किया। तो आज हम उन साफी हजरात को कि जो साफत को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट किया, जिन्होंने साफत को एज ए पैशन अडॉप्ट किया, पैशन के बगैर पर्पस के बगैर वकालत नहीं है, पैशन के बगैर पर्पस के बगैर साफत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जहां हमारी सोसाइटी गिरावट का शिकार है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तमाम माशरे के तमाम सेगमेंट पे हुआ, पाओ साफत है पाओ वकालत है। हम वकालत को एज ए कैरियर लेते हैं कि हाउ कैन आई मेक मनी, हाउ कैन मैं केसेस कैसे फेच कर सकता हूं। इसी तरह हमारे जो जो साफत में जो चाल चलन जो आपने देखा, हम जो प्राइम टाइम है 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, आप क्या देखते हैं? हमारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या देखते हैं? क्या यही सोसाइटी है हमारे कि नवाज शरीफ बाहर आ गया, इमरान खान अंदर चला गया, नवाज शरीफ नशे कर दिया, आसिफ जरदारी ने फलाम कर दिया? हमारे बच्चे जबानी जानते हैं इस तमाम बातों को। ये हमारे मसाइल नहीं है, ये हमारे मसाइल का हल कतल नहीं है। आपने रेटिंग के लिए कि इसलिए कि मैं इसको गाली पड़ेगी तो मेरी रेटिंग हाई होगी। और देखिए ना, मेरा दोस्त है वो जिसने वो बात की, वो जो लड़ाई झगड़े के बाद वो कितनी वायरल हुई, ये 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 एहसासियत की बात है कि कहां पहुंच गया आपका माशा कि उसने गाली दी, एक गलत और गलीज बात की, लेकिन पूरी दुनिया में उसने ढके हुए जा रहा, और लोग उसको रिसेप्शन दे रहे हैं, लोग उसको हार बना रहे हैं। मेरा बहुत सारा दोस्त है मेरा मेरे बात में, लेकिन ये डिपिक्शन है हमारी सोसाइटी, ये डिपिक्शन है हमारी साफत की, हमारी वकालत। तो हमें पर्पस के हवाले से कि मैं अगर वकालत में बहुत मौके हैं मेरे पास कि मैं पिसी हुई इंसानियत की खिदमत कर सकूं, मैं लुटे पुटे लोगों के जो यतीम हैं जो बेवाएं हैं बहुत सारा माम हम कर सकते हैं। इसी तरह साफत है, आज हम जिस ये शख्स की बरसी मना रहे हैं, कमाल की उसकी कंट्रीब्यूशन है साफत में, एक आदमी था, लेकिन हम उसको बना के हम यहां निशिस्तन गुफ्तन और बहासन पर आतंक के बाद अगर हम चले जाएंगे और कुछ लिए बगैर और कुछ सोच दिए बगैर और कुछ सोच दिए बगैर, तो मैं समझता हूं कि जो एहसन भाई की काविश है यहां बनाने की वो फुटाइल होगी। तो जरूरत समय की है कि जो मसाइल है हमारे मुल्क को, हमें बिल्कुल ये फैसला कौन मोड़ कर रहा है? ये तो हमने हमेशा सुना कि पाकिस्तान अपने अजीब गरीब दौरे पे खड़ा है, नाजक तरीन दौर से गुजरा है, तो हमसे 70 साल से हम भी सुन रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान की असासियत, पाकिस्तान की जो सालमियत को जो 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 हमले हो रहे हैं, जो इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया के जरिए, वो सारे के सारे अगर हम हमारी साफी बरादरी अगर हमारे पाकिस्तानी लोग हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे तो ये हमारा क्लच कर जाएगा हमारा सिस्टम। एक 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 एक, एक देखिए ना, एक, एक, एक गाली देना किसी इदारे को, किसी गवर्नमेंट को, किसी शख्स को, एक रिवायत बन गई। ये देखे बगैर कि मेरी गाली से मेरे इदारे को क्या फर्क पड़ेगा, ये देखे बगैर कि मेरी गाली का मेरी मेरे मुल्क पर क्या असर पड़ेगा। इस भेड़चाल में हमें नहीं आना। और पर्पस के हवाले से साफत के वो असूल जो जरिए असूल जफर अली खान साहब ने मुतारफ कराए, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की साफी बरादरी भी उन्हीं फुटस्टेप से चलेगी। और बहुत शुक्रिया एहसन भाई जफर मुख्तारी साहब आपका कि आपने एक वाइब्रेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की को आपने बिल्कुल उठा दिया, और बहुत सारी ये एक्टिविटीज ये बार में होती हैं, ये बार काउंसिलों में होती हैं, बार एसोसिएशन में होती हैं, लेकिन किसी कारोबारी इदारे में इस तरह की बहुत एहसन बात है और बड़ी खुशाइन बात है। मैं आपका एक मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ मौजूद किया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।